हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं नहीं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी हाईफाई टेक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एलपीएन टोकन की जो एक न्यू एक इंटरफेस आई थी, उस इंटरफेस में बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स दिए गए थे जो कि पहले नहीं थे। और उनमें से दोस्तों दो सबसे खास फीचर हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो ये अकाउंट है एलपीएन टोकन का गूगल क्रोम पर, जो आप ओपन करते हो, प्राइस चेक करते हो और सारी चीज़ें इसी पर करते हो, तो उसमें आपका सिक्योरिटी का काम करने वाला है, जो आपका फंड है उसको सेफ करने वाला है। वो कैसे करने वाला है, आइए हम वो बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर जेन्युइन कंटेंट और लगातार मिलता रहता है। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों आज की इस नई वीडियो को। तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन शो करता है एक्शन का, आपको सिंपल करना है कि एक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन शो होता है लॉगिन एक्टिविटी का। अब ये लॉगिन एक्टिविटी है क्या चीज़, वो देखिए। सबसे पहले देखिए, हम कोई भी अपना ये चेक करते हैं, अपना अकाउंट का जो प्राइस होता है वो चेक करते हैं। अगर हम किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन में अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट को, तो वहाँ पर देखिए सारी चीज़ें शो करने लग जाता है। कैसे करता है वो देखिए। अभी देखिए यहाँ पर आज सबसे पहले देखते हैं कि आज तारीख है दोस्तों 7 नवंबर और 4:04 पे ये अकाउंट लॉगिन हुआ है। अब किस फ़ोन में लॉगिन हुआ है वो भी देख लीजिए। ये उसका आईपी एड्रेस है, ये देखिए, ये उसका आईपी एड्रेस है जिस फ़ोन में स्टार्ट हुआ था, और ये डिवाइस का भी नेम आ चुका है कि किस डिवाइस में ये चालू किया गया था और गूगल क्रोम पर ये ब्राउज़ किया गया था। अभी आपको अगर यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कुछ और शो कर रहा है, जैसे कि RMX शो कर रहा है, कोई दूसरा डिवाइस है, और यहाँ पर नीचे तरफ देखिए कोई दूसरा डिवाइस है CPH1, और यहाँ पर और नीचे तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन शो करता है SM का। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो अकाउंट है ये 3 अलग अलग डिवाइस में शुरू करके देखा गया, मतलब कि लॉगिन किया है। अब तारीख भी देख लीजिए कि आपका जो ये अकाउंट है कितने बजे लॉगिन किया गया है, आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। अब जो इसका जो पुराने वाला इंटरफेस है दोस्तों, उसमें ये चीज़ें नहीं है कि जिससे आप ये चेक कर पाएँ कि आपका जो ये अकाउंट है एलपीएन टोकन का, ये किस मोबाइल फ़ोन में ब्राउज किया गया है, कब किया गया है, उसका टाइमिंग भी सारी चीज़ें आपको डिटेल बता देती है, जो कि आपका एक सिक्योरिटी का काम बहुत ही अच्छा करता है। और नियर फ्यूचर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को इसमें मिलेंगे कि जिससे कि आपका जो एलपीएन टोकन जो फंड है वो आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है। अभी जो दूसरा जो ऑप्शन है उसकी हम बात करते हैं, वो दूसरा ऑप्शन है क्या वो देखते हैं। दोस्तों, वो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक्शन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो ट्रांसफ़र वॉलेट का आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अब ट्रांसफ़र वॉलेट का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें देखिए आपको यहाँ पर जो पिछला आपका इंटरफेस था एलपीएन टोकन का, जो अभी भी है, अब ये न्यू है, उसमें डिफरेंस क्या है वो देखिए। आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना पड़ता था पुराने वाले में भी, और इसमें भी वही डालना है। एंटर अमाउंट इसमें भी डालने, उसमें भी डालने होते, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ चेंज हुई है दोस्तों, वो ये चेंज हुई है कि आपको यहाँ पर बिना OTP के आप यहाँ से कोई भी फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अब जो पुराने वाले इंटरफेस है दोस्तों, आप उसमें क्या है कि आप उसमें अपना सिर्फ 3 डिजिट डालनी है आपको अपने रेफर कोड की, आप अपना जो ई कैश का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी उसमें भी है, वो ये है कि आपको अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो थर्ड पार्टी दोस्तों वहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी इन द सेंस दोस्तों, देखिए जैसे कि मैंने किसी को रेफ़र किया है तो मैं उसी का कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने जो मेरे सीनियर है वो मेरा कर सकते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे का हम कर सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पार्टी अगर बीच में करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। अब इसमें देखिए, इसमें तो देखिए कोई भी जो है मेंबर है, कोई भी बंदा है, तो यहाँ पर देखिए बिना OTP डाले यहाँ पर पैसे सेंड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये दो जो ऑप्शन है ये आपके फंड को सेफ बनाते हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शन की अच्छे से देख लीजिए कि ये दोनों ऑप्शन है क्या चीज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उस पर ट्राई करेंगे आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार अपडेट के साथ।